हम लगातार बनने का कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कपूर भाई के साथ में, थोड़ा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनको, लेकिन जैसे उनसे हमारा बन जाएगा हम ऐसे ही आपको बात कराएंगे कि उनके करियर में कैसा रहा, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ के लिए हम उनसे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा संपर्क उनसे छीन हो रहा है, नहीं बन पा रहे हैं वो हमसे, और जैसे बनेंगे हम वैसे ही उनसे सवाल करेंगे। बहुत कम टाइम मिलेगा हम उनसे बात करने के लिए, लेकिन जैसा मिलेगा हम आपको जरूर उनसे मिलाएंगे। हम बार बार देख रहे हैं, हम पवित्र नाइक को देख रहे हैं, हम कृष्णा को देख रहे हैं, हम सोमेजीत नाइक को देख रहे हैं, लेकिन पप्पू रॉय को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनसे बनने के लिए। मिस्टर मोम राहुल जॉइंट क्रिकेट इज लाइफ जॉइंट पप्पू रॉय जॉइंट, देखिए वो अब आ चुके हैं पप्पू रॉय, हम उनसे बात करेंगे अब। पप्पू रॉय अब आ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा वेव को एक्सेप्ट कर लीजिए पप्पू भाई, जो वेव दिख रहा है उस वेव को आप एक्सेप्ट कर लीजिए जी, वो एक्सेप्ट। पप्पू भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। पप्पू भाई बताएंगे आप, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है अभी तो, अच्छा चल रहा है अभी। प्रैक्टिस के लिए सुबह कितना टाइम देते हैं हम? मिनिमम 4 घंटा तो देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, टाइम जी सुबह 4 घंटा आपको देना पड़ता है जी। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हो तो आपको उतना मेहनत करना पड़ता है उस चीज को लेके, तो आप जितना मेहनत करोगे तब जाके आप एक अच्छे क्रिकेट खेल पाएंगे। पप्पू भाई आप मुंबई इंडियंस के कैंप में गए थे, आप वहां पे वो जो था आपका वहां पे जाना और वहां का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे, सारे सीनियर प्लेयर थे वहां पे, तो वही कि मतलब कि अपने आप को कैसे बैक करते हैं उस लेवल पे, अपना कैसा प्रिपरेशन है वहां पे, जो साल भर जो मेहनत करते हो जब उस जगह पे आप जाते हो तो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करना होता है। आप वहाँ पे मुंबई इंडियंस के जो कैंप में थे वहाँ पे सचिन तेंदुलकर होंगे जी, उनको पास में से देखा था आपको? जी जी उनसे बात हुई, प्रैक्टिस मैचेस थे वही क्रिकेट को लेके कि हाँ मतलब वो बॉल कर रहे थे तो उन्होंने आके कह रहे थे कि इस एरिया में बॉल डालो, इस सिचुएशन में बॉल डाल रहे हो तो इस हिसाब से बॉलिंग करना होता है हर कंडीशन के हिसाब से, तो वही चीज है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें दुनिया चाहता है कि हम उनसे बात करें, आपने उनसे करीब से देखा था जब आप उनसे वो लम्हा जो आप 1-2 मिनट या 3 मिनट का जो बात किया था वो कैसा लग रहा था आपको? मैं बहुत खुश था, मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब वहां पे गया और सचिन सर थे, महिला सर थे जी, जय खान सर थे, तो सारे लोगों के बीच में आके वहां पे जाके प्रैक्टिस मैच खेल रहे कैंप कर रहे थे, तो काफी अच्छा लग रहा था, बड़े लेजेंड है। कितना दिन मेहनत किए थे वहां पे, कितना दिन का कैंप था? कैंप हफ्ता दिन का था। अच्छा मतलब कैंप चल रहा था रुक रहा था, चल रहा था रुक रहा था ऐसा था। और कौन से प्लेयर्स से आप मिले थे वहां पे? मतलब उस टाइम पे मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे लड़के आए थे कैंप के लिए ट्रायल के लिए, तो सारे लोग थे वहां पे, तो 2 टीम बना के मैचेस होता है वहां पे, ये जो ट्रायल्स का जो प्रोसेस होता है वैसे ही था, और अच्छा लगा वहां का मैच खेल के, काफी एक्सपीरियंस हुआ वहां से खेल के। आप सिर्फ बॉलिंग कर रहे थे, आप बॉलिंग में ही गए थे? जी। आप बताएंगे थोड़ा पप्पू रॉय कि आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली, आप बताएंगे थोड़ा? हम लेफ्ट स्पिनर है, हम सबको पता ही है जी, हम अपने बॉलिंग के लिए गए थे जी, आप बॉलर के लिए ही गए थे, आप वहां पे बॉलिंग अच्छा खासा आपका वहां पे था, लेकिन किस्मत ने आपको साथ नहीं दिया जिसकी वजह से आप ऑक्शन में नहीं आए थे, नीलामी में आप नहीं आए थे। नहीं इसको मैं किस्मत नहीं मानता हूँ जी,
मुझे और मेहनत करना होगा और अच्छा परफॉर्म करना होगा, खुद को और बेटर करना होगा। तो हम जितने मेहनत करेंगे अपने आप को और जितना बेटर बनाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं फिर मेहनत की कमी के वजह से नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ, किस्मत कोई चीज नहीं होता, आप हार्डवर्क करते हो तभी जाके कुछ अचीव करोगे, किस्मत बोल के कोई चीज नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत पर बढ़िया बात कहा आपने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका मेहनत। अगर आप क्रिकेट के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, क्रिकेट से कितना प्यार है, क्रिकेट के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो, तो ये मैं क्रिकेट को जितना कितना टाइम दे रहा हूँ मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। कल को क्या होगा नहीं हुआ उसके बारे में मेरा कभी वो थॉट रहा नहीं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। कभी कभी इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। मुझे क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट के लिए मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ खुद को, कितना हर फील्ड में कितना और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं हमेशा वही सोचता हूँ, मेरा यही सोच रहता है हमेशा। पपुरा, आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कितना रहा है? कितना, मतलब एक मैच ऐसा हो जो जो आप बहुत बढ़िया बॉलिंग किया हो, आपका बॉलिंग फिगर थोड़ा बताएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका। वही हम इंडिया सी के लिए जब खेल रहे थे, 45 रन देके 3 विकेट लिए थे उस मैच में, तो वो काफी मेरा पहला मैच था और बहुत अच्छा वो मैच, रानू भाई कैप्टनसी में खेल रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत एक यादगार मैच रहेगा हमेशा। जी बिल्कुल, जो इंडिया के लिए खेल रहा हो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कौन से प्लेयर थे आपकी टीम में? राणा भाई थे, सूर्या भाई थे, सुमन गिल थे, और गायक ईशान किशन, सारे सारे प्लेयर ही इतने थे और बड़े उनके साथ प्लेयर्स के साथ खेले में थे। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया होगा, आपके सामने रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा कि इतने बड़े जी प्लेयर्स। और कौन वो 3 प्लेयर थे जिनको आप आउट किए थे? वो मनोज तिवारी थे, गायकवाड़, और एक का नाम नहीं याद आ रहा जी, तो जी। आप वहां पे 4 ओवर बॉलिंग की, तो 4 ओवर बॉलिंग किए थे ना, 5 ओवर आप बॉलिंग किए थे? टी मैंने ट्वेंटी दस नहीं, ओवर वनडे अच्छा था वनडे मैच था। अच्छा, हाँ जी जी वो वनडे मैच था जहाँ पे आपने 3 विकेट लिए थे। और कितना कितना रन दिए थे आप? 45। 45, 10 ओवर, बहुत बढ़िया बॉलिंग फिगर था आपका। अच्छा, एक जी एक एक प्लेयर जो नए युवा खिलाड़ी इस वक्त आ रहे हैं, जो नए क्रिकेटर जो इस वक्त आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमको भी रणजी मैच मिल जाए, हमको भी भारतीय टीम में हिस्सा मिल जाए, तो उनको कैसा मेहनत करना चाहिए? जी फिर से बोलेंगे एक बार। जैसे अभी नए क्रिकेटर आ रहे हैं, जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रणजी मैच हो, चाहे वो IPL के लिए हो, तो उनको कैसा मेहनत करना चाहिए? देखिए, हर खिलाड़ी का अपना अपना मेहनत करने का अलग अलग तरीका होता है, बट आप अगर उस लेवल के लिए जाते हो तो बहुत मेहनत करना होगा आपको, बहुत ज्यादा चीज सेक्रीफाइस करना होगा अपना लाइफ में, आपको बहुत पेन सहना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत फोकस रहना पड़ेगा अपने गेम को लेके, तब जाके आपको एक टाइम पे आपको रिजल्ट मिलता है। बट प्रोसेस पे हम लोग ध्यान देते हैं, रिजल्ट तो हम लोग को नहीं पता है, तो प्रोसेस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए अपने ऊपर। अगर हम कोई काम करें तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं हम इसमें करेंगे। और पप्पू रॉय, आपके आइडियल प्लेयर कौन है? तो रविंद्र जडेजा के मानते हैं अभी सेम, जी। आप जैसे ही वो लेफ्टी बॉलर हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस का, जब भी रहते हैं ये मैदान में 100% एफर्ट देते हैं। जी उनसे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको देखते रहते हैं। इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में कप्तानी किया किए थे, उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ा था, महेंद्र सिंह धोनी को दिया था उन्होंने, क्या कहेंगे उनके बारे में? देख इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं अभी, उसके बारे में बोलने में कोई मेरे पास कोई शब्द शब्द नहीं है मेरे पास। जी और क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन होते रहता है, खिलाड़ी के लाइफ में आते रहता है, जी तो उसके लिए के एज ए प्लेयर मेरा कोई राइट नहीं है किसी को बारे में बोलना, ये ना ही मैं उतना बड़ा प्लेयर हूं अभी तो। जी और पप्पू राय बताएंगे, आप IPL में आपका फेवरेट टीम कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग है बहुत पसंदीदा टीम है, लेकिन इस साल खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से जी, जो है ना प्लेऑफ से बाहर जाता हुआ इस वक्त। और पप्पू राय तो बताएंगे, वो रहता
जी वो रहता है, अप्स एंड डाउन आते रहता है, वो क्रिकेट है तो आप सब अपने गेम पे ध्यान दे रहे हैं, हार जीत तो लगा रहता है, जी तो हो सकता है इस साल खराब गया नेक्स्ट ईयर अच्छा जाएगा, तो जो हारते भी है तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी तो आदमी कोई भी टीम अगर हारती है तो फिर वो देखती है कहाँ गलती कर रही है, फिर उस हिसाब से मेहनत करती है, फिर आके शो करती है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आप रविंद्र जडेजा के बहुत बहुत बड़े फैन हैं, क्या आप उनसे मिले हैं, कि बात किए हैं उनसे? कहाँ जी, से मिले थे आप उनके, कहाँ से आप मिले थे उनके साथ? रणजी ट्रॉफी में मिले थे जब रणजी ट्रॉफी में मेरा आते पहला हैं। साल था, तो अच्छा, विजया देख, में तो बहुत खुशी लगा होगा प्रैक्टिस आपको। प्रैक्टिस के टाइम पे मिले थे, जाके बात कर रहे थे उससे, मिले तो वही बता रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, तो वही बोले कि उनका भी यही कहना था कि बस अपना काम करते जाओ, मेहनत करते रहो, बाकी जो होना रहेगा खुद होते रहेगा, बट अपना काम को करते रहो, अपने खेल पे ध्यान दो। पप्पू रॉय, आप बताएं कि आप बॉलिंग में 3 विकेट लेकर 45 रन दिए थे, और बैटिंग में आपका बताएंगे, बैटिंग में कितना रहा स्कोर आपका? नहीं, बैटिंग हमारी आई थी लास्ट में, तब तक हम मैच हम हार चुके थे तब, और अच्छा, बैट मेनली बॉलर ही, हम एज अ बॉलर ही हमारा सिलेक्शन हुआ था टीम में। डोमेस्टिक मैच ऐसा बताएंगे जो आपका सर्वाधिक स्कोर रहा हो आपका। ऐसे तो बैटिंग हमारी लास्ट में आती है, लास्ट में ही जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ खास स्कोर है नहीं हमारा, ऐसा कुछ किया नहीं, पर बैटिंग में मेहनत कर रहे हैं हम, आई होप कि आने वाले मैचेस में, आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। पप्पू रॉय, जब आप बॉलिंग कर रहे हो, आपकी गेंद को लगातार 2 गेंद को 2 छक्का हो जाए, उसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं मतलब अगर प्लान करना होता है कि कड़ी सिचुएशन की, हाँ इस टाइम पे अगर मार पड़ गया है बाकी चार बॉल कैसे डालना है, तो यही सोचते हैं कि अगला बॉल कुछ प्लान के फील्ड से लेके कुछ उस हिसाब से अपना बॉल डालना होता है, उस सिचुएशन क्या डिमांड है उस टाइम पे, तो हर आप अपने दिमाग से बॉलिंग करते हो या बल्लेबाज के दिमाग को आप पढ़ते हो? नहीं सामने वाले को देखना होता है और खुद का भी अच्छा, दिमाग लगाना होता है कि सामने वाला क्या खेलने मांग रहा है, वो क्या करना चाहता है, तो वो चीज बहुत मायने रखता है, तो अच्छा, सामने वाले को जब तक आप पता नहीं करोगे तो फिर आप मार खाओगे एज अ बॉलर। लेकिन ऐसा रहा सबसे है आपका? इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम कौन सा सिचुएशन में बॉल डाल रहे हैं, अगेंस्ट टीम को क्या डिमांड कर रहा, हमारे टीम क्या डिमांड कर रही है, तो वो चीज मैटर करता है। सेठ बैट्समैन खेल रहा है या नया बैट्समैन आया, या 3-4 विकेट गिर गया, तो बहुत सारा कंडीशंस रहता है, तो जैसे कि हमारे विकेट लेना हमें, तो हम तब हम हमें मतलब अपने ट्राई करते हैं अपने तरफ से, जब अगर जो पार्टनरशिप जमी हुई है तो हमारा काम होता है कि एक एरिया में बॉल डालते रहो अपना, बस पेशेंस, एरिया में बॉल डालते रहो, फिर सामने वाला गलती करेगा उसको प्रेशर बिल्ड करते हो रहा। कभी आप बॉलिंग किए हो महेंद्र सिंह धोनी को प्रैक्टिस के दौरान? कहां हाँ, पे किए थे हमने आप? ईडन में किया था उनको फर्स्ट टाइम नेट्स में बॉलिंग, और काफी अच्छा लगा था। जी, महेंद्र सिंह धोनी को आप बॉलिंग करने दौरान कैसा लग रहा था? बॉल को बराबर वो खेल रहे थे या बॉल बीट हो रहे थे? हाँ, नहीं मतलब मेरा ऐसा था कि उनको जब मैं फर्स्ट बॉल डाला था तो स्टेप आउट करके उन्होंने मारा सीधा, तो बहुत अच्छा लगा जी, वो जब सीधा आगे आकर उन्होंने खेला था इनसाइड आउट होकर। अच्छा लगा उनसे, उनको बॉल डाल के उनके साथ जितना भी टाइम बिताए थे बस उनको देखे जा रहे थे हम। जी, इतने बड़े खिलाड़ी जो पूरी दुनिया जिनको सलाम ठोकता हुआ, आप उनको बॉलिंग कर रहे हो और वो छक्का लगाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने उनको गेंद फेंका है, ये बहुत बड़ी बात है। जी, अरे उनको बॉल डाले वो मतलब डाल के ही खुशी मिली, बस उनको देख ही रहे थे और क्या, बॉल डाल रहे थे बस, मन 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 खुश था, दिल खुश था कि चलो माई भाई को बॉल डाल रहे हैं। जी, और पप्पू राय, लगभग अब 20 मिनट हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको इस शो में आकर? जी अच्छा लग रहा अब है, मैं बता इसके मालूम इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा, हम उतना सोशल मीडिया पर नहीं रहते तो उतना आइडिया नहीं है हमें, जी, तो मालूम पड़ रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू राय, जो आपने अपना बहुत बेशकीमती वक्त आज हमको दिया है, और मैं शुक्रगुजार जी हूँ आपका। और पप्पू राय बताना चाहेंगे, जो आगे मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को, बहुत सारे ऐसे रणजी प्लेयर्स को, आईपीएल प्लेयर्स को भी ले रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए,
जितने सारे प्लेयर है या खुद को इंक्लूड करें, बोले कि मेहनत करते रहना होगा आपको, बहुत मेहनत करना होगा अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए। आपको जब कंपटीशन में आते हो तो आपको बहुत तैयारी करना हो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमेशा क्रिकेट को बहुत, अगर आप जब तक क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से टाइम दो। अगर जी आप कोई भी गेम खेलते हो, मतलब प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो या बोर्ड के लिए खेल रहे हो, तो हमेशा सीरियस रहो, गेम में पूरा फोकस रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं अगर मैच में उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो फिर कोई प्रैक्टिस का मतलब नहीं है। तो सब प्रैक्टिस कुछ को सही। एकदम मैच की तरह आप लेना होगा आपको, पूरा जी फोकस रहना होगा। आप कभी सोचे, आपको रात में कभी सपने में आया है कि आप भारतीय टीम 11 में शामिल हो गए, ऐसा कभी आया है सपने में? देखिए, हर कोई क्रिकेट खेलता है, हर कोई का यही सपना होता है कि अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करे। पर एज ए प्लेयर बस हम खेलते हुए जाते हैं, हमारा जो स्टेप है जी बस वो ही रहता है कि हम क्रिकेट खेलते जाओ बस। आपका एक ही एम है कि मेहनत करते चलो। जी, हार्डवर्क सब वो मेरे को मैं उसी से सब कुछ पाया हूँ, तो जी मेरे को वही पता है। और मेरे को लगता है कि अगर हम अपने काम को जितना प्यार करेंगे उतना अच्छा होगा, उसी को बोलते हैं एंजॉयमेंट। अगर अपना काम को, जो काम कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रहा है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी आप बिल्कुल सही कहा कि खुशी होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी, जी, यही आपको हमेशा बहुत। पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं भी बहुत सारा चीज प्लेयर से सुनता हूँ या प्लेयर से मिलता हूँ, तो बहुत सारा प्लेयर बोलता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हम जब सोच रहे हो तभी वो चीजें होती है। अगर हम सोचें पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा कोई भी चीज आने में, बट आएगा जरूरी है, ये श्योर है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो आपको मिलेगा। जी बहुत अच्छा लगा पपूराज आपसे बात कर पाकर, आपका बेशकीमती वक्त लेकर, और हम फिर से अगर वक्त कभी होगा तो हम आपसे जरूर मिलेंगे, जी और जरूर, तब के लिए थैंक हम यू आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।